बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, एसपी उम्मीदवार का भड़काऊ बयान सामने आया। सरकार बनने पर कह रहे हैं बदला लेने की बात। मेरठ दक्षिण से एसपी उम्मीदवार हैं आदिल चौधरी और सोशल मीडिया पर लगातार उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का भड़काऊ बयान सामने आया है। सरकार बनने पर कह रहे हैं बदला लेने की बात। मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आदिल चौधरी, तो सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का भड़काऊ बयान सामने आया है। मेरठ से एसपी उम्मीदवार का यह भड़काऊ बयान सामने आया, सरकार बनने पर बदला लेने की बात कह रहे हैं। मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आदिल चौधरी, तो उनका यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी लगातार भड़काऊ बयान देकर ये कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो बदला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाई, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आपने देखा कि आपके बराबर में तुम्हारे सहयोगी सरफराज इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएं। सरफराज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस अपनी जांच में जुट गई है और पुलिस का कह रहा है कि इस पूरी वीडियो का जो कि वायरल हो रही है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है और अगर इसमें कोई भी ऐसी बात निकल कर आती है तो उसमें निश्चित तौर पर मुकदमा करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये उजागर है बिल्कुल, क्योंकि वीडियो जो है वो वायरल है, उसमें आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके का भड़काऊ भाषण आदिल चौधरी दे रहे हैं। हालांकि आदिल चौधरी जब इस बारे में बात की गई तो अब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है जिसको जो है शरारती तत्वों ने वायरल किया है, उसके साथ छेड़खानी की गई है।